हे भगवान, बोल बोल के बोल तो दिया सबको शाम को घर में पार्टी है, लेकिन इतना सब कुछ कर कर के करूंगी कैसे, और वो भी अकेले कर कर के कैसे करूंगी, करना तो पड़ेगा। चल भाई शुरू हो जा। मम्मी, पापा के बेस्ट फ्रेंड आने की खुशी में आज पार्टी है और बहुत सारी टेस्टी टेस्टी डिशेस बनानी हैं। हाँ पता है मुझे, लेकिन सोच यारो, इतनी सारी डिशेस बनाने में थक थक के तेरी मम्मी कितना थक जाएगी आज। नहीं मम्मी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, यारो आपको नहीं थकने देगा। पापा ने यारो के अंदर एक ऐसी रेसिपी बुक इंस्टॉल की है जिसको देख के मैं एक से एक मस्त टेस्टी टेस्टी व्यंजन बनाऊंगा, अच्छी डिशेस बनाऊंगा कि आने वाले खाने वाले सब कहेंगे कि वाह यारो। मम्मी आप बस देखती जाइए। पक्का? जी ठीक है फिर। लाइए। ओके। मेरे छोटे से यारों ने कर करके कितना सारा काम कर दिया। अब यारो हो के बिल्कुल चुप यहाँ खड़ा होगा, ठीक है? बाकी का काम मम्मा करे। फिंगर ऑन योर लिप्स और कुछ बोलना मत, ठीक है? कर करके मुझे काम करने दे फटाफट। लेकिन मम्मी इतना सब कुछ बना दिया तो थोड़ी सी और हेल्प करने दीजिए यारो को प्लीज। नहीं यारो, फिंगर ऑन योर लिप्स, चुपचाप खड़ा रहे और देख के मैं बना बना के पकौड़े कैसे बनाती। मुझे भी आते हैं। हाँ याद है मुझे, पिछली बार डाल डाल के इतनी सारी मिर्ची डाल दी थी। बना दूं? नहीं। टिंग टोंग। हेल्प करनी है मेरी? चल फिर दरवाजा खोल दे। और क्या हेल्प करूं मम्मी? और हेल्प करनी है? एक कटोरी उड़ेल उड़ेल के तेल उड़ेल। ओके मम्मी। ये क्या ठोर? ये दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है? चेक करता हूं चक्कर क्या है। ये कर कर के क्या किया यारो? मम्मी आपने ही तो कहा था एक कटोरी तेल उड़ेल दो, उड़ेल दिया। हाँ लेकिन वो कढ़ाई में उड़ेलना था, जमीन पे नहीं यारो। सॉरी मम्मी, यारो से गलती हो गई। कोई बात नहीं यारो। हम भी ना हाँ? अरे ये भंगार वाला आदमी भंगार का सामान खरीद के ले आया होगा और लगा दिया। ये भी खराब है, इसीलिए दरवाजा हमेशा खुला रहता। कंजूस कहीं का। हम तो बेफजूले में शक कर रहे थे। और क्या कर दूं मम्मी? और हेल्प करनी है? ठीक है तो एक काम कर, ये कढ़ाई में पकौड़े हैं निकाल के वहां उस प्लेट में डाल दे। ओके मम्मी। अरे भाभी जी। आई आई ये चतुर्वेदी जी। अरे पूरी की पूरी हमारी जबान जल गई, वो भी एकदम ठो। सॉरी चतुर्वेदी अंकल। चुप। सॉरी वाले है, फैलाओ रायता। ये देखो। अरे तेल फैलाया तो फैलाया क्यों? देखा नहीं कि हम फिसल गए? मम्मी ने कहा था कि एक कटोरी तेल उड़ेल दो। चतुर्वेदी जी। भाभी जी। प्लीज कर करके माफ कर दीजिए ना हमारे बच्चे को। वो क्या है कि उसने कर करके जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, वो तो बस
गलती से तेल गिर गया नीचे। माफ कर दीजिए प्लीज। भाभी जी आप कहें और हम न माने, ऐसा कभी हुआ है? लीजिए, गुस्सा छोड़ दिया। तो चतुर्वेदी जी हुआ ये है कि आपका पाँव फिसला तेल के ऊपर, आपका मुंह गया गर्म पकौड़ों में, पकौड़ा गया आपके मुंह में, है? ये बताइए कि पकौड़े का टेस्ट कैसा था नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक? अरे आप बड़े कमाल आदमी है। अरे यहाँ हमारी जवान जल गई है और आपको ना पकौड़े की टेस्ट की पड़ी हुई है, एकदम ठो आदमी है यार, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। चुप रहिए आप। मतलब जुबान जल गई लेकिन बल नहीं गए। ये कौन? ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। अच्छा, अभी तक इनका बचपन चल ही रहा है? हाँ, ये पापा के बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं। आपने इन्हें अपने बचपन में देखा होगा। हमको तो ऐसा लगता है कि पहले हमने इन्हें कहीं देखा है, एकदम ठो। नहीं, लेकिन मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने आपको कहीं पहले देखा है, अब हमको इस समय याद नहीं आ रहा है। हमको जैसे याद आएगा ना, हम एकदम ठो कर देंगे, हम आपको बता देंगे। एक बात बताइए, आप वही है ना जो अमर प्रेम को 1-1 लाख रुपए महीने की नौकरी देने वाले हैं? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं, हम अमीर आदमी हैं, काम करने वालों की जरूरत पड़ती है, हमें तो जवान लोगों को काम दे रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छी ठो है। अच्छा, अभी शाम को पार्टी मिलते हैं। एक मिनट, आपको पार्टी में बुलाया किसने? ऐसा है ना अग्रवाल साहब कि हमें इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं, कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं, समझे ना? अच्छा ये बताइए, शाम को क्या पिलाएंगे हैं? अरे आप जाओ ना यहाँ से, आपको बुलाएंगे तो पिलाएंगे ना, जाइए आप यहाँ। आएंगे आएंगे। पूरे चिटकू है चिटकू। अबे वैसे भाभी, ये पार्टी किस सिलसिले में? भाई साहब मैं आपको बताना भूल गई, आपके आने की खुशी में रख रख के हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है। बहुत मजा आएगा हर्षवर्धन अंकल के आने की खुशी में, आज जब पार्टी होगी, नाचेंगे गाएंगे कूदेंगे, वाह, है ना मम्मी, है ना पापा? चल यार गर्मा गर्म पकौड़े खाते, आजा आजा। खा के ठीक से खाना, ओके? मैं अभी बस पार्लर से होकर आती हूँ। ओके। अरे भाई हर्षवर्धन, तुम्हें वो वर्मा सर याद है ना? हाँ। वर्मा सर बिल्कुल याद है। यारो हमारे क्लास में ना वर्मा सर थे, अरे हर्षवर्धन अंकल उनकी इतनी अच्छी नकल उतारते थे, इतनी अच्छी नकल उतारते थे, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक, ये पूछो मत। हर्ष एक बार फिर से वो नकल उतार के दिखाना वर्मा की प्लीज, एक बार। कैसे बोलता था वर्मा? अब क्या करूं, कैसे बचाऊं खुद को? छोड़ो ना बचपन की बातें यार, अब इतनी उम्र हो गई है, अब नहीं निकल पाएगी, वर्मा साहब की नकल नहीं कर पाएंगे भाई। नहीं होगा अंकल, प्लीज एक बार करके दिखाइए, फिर यारों भी अपने दोस्तों को पापा के सर और आपके सर वर्मा सर की एक्टिंग करके दिखाएगा, प्लीज उनकी तरह बोल के दिखाइए प्लीज। ये लड़का है या मुसीबत, पीछे ही पड़ गया। प्लीज प्लीज करके दिखाइए, अभी करके दिखाइए, वर्मा सर की तरह बोल के दिखाइए। यार मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सुनाऊंगा लेकिन थोड़ा अलग है? अलग से? अरे हाँ, अरे मैं तो तुम्हें अपने और गोवर्धन की दोस्ती के किस्से भी बहुत सारे सुनाऊंगा, और दोस्तों के किस्से भी, सुमन के बारे में भी। तू सुमन को भूला तो नहीं है ना? वर्मा सर से छूटा तो अब सुमन में फंस गया। सुमन? सुमन, सुमन को कैसे भूल सकता हूँ यार, वो तो हम लोगों के साथ खेला करती थी बिल्कुल लड़कों की तरह। लड़के तो डरते भी थे उससे। यारो बेटा जरा देखो तो कौन आया है। ओके पापा। तो मतलब सुमन भी ठीक से याद नहीं है तुम्हें? नहीं नहीं याद है बिल्कुल। अरे भाई लठमार थी, लड़के क्या डरते थे उससे। अग्रवाल साहब जी, मैं उस कंपनी से आया हूँ जिस कंपनी के लिए आप खास रिसर्च कर रहे हैं।
कुछ पेपर्स हैं जो आपको साइन करने हैं। क्या लिखा है इन पेपर्स में? सर, इन पेपर्स में लिखा है कि आप जो हमारी कंपनी के लिए रिसर्च कर रहे हैं उसकी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाटा कहीं लीक नहीं होना चाहिए। अरे कमाल कर रहे हैं, ये तो मेरी खुद की रिसर्च है, मैं इसको शेयर करूंगा ही क्यों, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। लाइए बताइए कहाँ साइन करना, मैं कर देता हूँ। यहाँ ना जी, ये प्रोफेसर गोवर्धन अग्रवाल। कब से तुझे मेरे रांझना को लगाने की कोशिश कर रही हूँ, पर एक तू है ढीठ जो लगता ही नहीं। अरे तुझसे अच्छा तो वो कबूतर है जो उस प्रेम तक अपने सुमन के पहले प्यार की पहली चिट्ठी पहुंचाया था, पर एक तू वहाँ रे किस्मत वहाँ, यहाँ मेरे इश्क की इलायची मोहब्बत के पान में डलने को मचल रही है। प्यार की मछली इश्क के समुन्दर में उछल उछल के उछल रही है, और यहाँ यहाँ मेरी कोई किस्मत नहीं चल रही है। एक जीजू है जो इस घर में बंद करके मुझे कहीं जाने नहीं देते। अब होगा अब मिलन जब जीजू होंगे विलन। अरे बेटा अरे हम विलन थोड़ी हैं, हैं? अरे हम तुम्हारे जीजू हैं, वो भी एकदम सगे। तुमने सुना होगा ना, अपने तो अपने होते हैं, हैं? और तुम ये क्या ठोकर रही हो? बंद घर में मैं क्या ठोकरूंगी? अरे तो तुम बंद क्यों हो, हैं? अरे बेटा जाओ, जाके अपने दोस्तों के साथ आनंद करो, जाके अग्रवाल साहब के यहाँ। हाँ जीजू, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे पगली, हमारी तबीयत ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। जाओ डॉली जाओ, अपनी जिंदगी जी ले जाके आनंद से, जा 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 जल्दी से जा। जीजा जी, जीजा जी, प्यारी प्यारी जीजा जी, प्यारी प्यारी डॉली रे, डॉली रे, डॉली रे, प्यारी प्यारी डॉली रे, डॉली रे, डॉली रे। अरे चतुर्वेदी जी। हाँ गोगी जी। कूल कूल, क्या बात है, क्या बात है, अचानक आप में इतना कहाँ से आ गया? ये ना क्या कहाँ से आ गया? अरे क्या कहाँ से आ गया? अरे बदलाव और क्या कहाँ से आ गया? आपने खुद डॉली को भेजे बिना जी के घर, इसे कैसे? गोगी बैठ। अरे गोगी, क्या है ना कि अग्रवाल साहब के यहाँ जो उनके करोड़पति दोस्त आए ना, अरे उनका कोई बेटा भाई भतीजा भांजा शादी लायक होगा, बस उसी के साथ हम अपनी डॉली का रिश्ता ठोकर देंगे, उसके बाद हम करोड़पति रिश्तेदार कहलाएंगे। सही, इसीलिए तो हमने डॉली को वहाँ भेजा है। पर क्या है ना गोगी, कि एक बात हमें समझ नहीं आती है। क्या समझ में नहीं आ रही है? ये जो यारों के डैडी के जो दोस्त आए हुए हैं ना, इनको हमने कहीं पहले देखा है, लेकिन अभी तक हमको याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आखिर आज नहीं तो कल याद आ ही जाएगा। अच्छा एक काम करो, तुम जरा फटाफट तैयार हो जाओ, क्योंकि आज भाभी जी के यहाँ पार्टी है। पार्टी? वो भी एकदम ठो बन के जाना है। एकदम ठो बन के जाऊंगी, चलो बाय। तैयार होके जा। मैं यारो अग्रवाल अपने पापा का बेटा और अपनी मम्मी का भी बेटा, आज पापा के बचपन के बेस्ट फ्रेंड हर्षवर्धन अंकल आने की खुशी में यहाँ पे इस पार्टी में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चतुर्वेदी साहब, आपका इस घर में कोई वेलकम नहीं है, आप यहाँ पर क्यों आए? कद्दू खरीदने आए हैं? अरे कर दिया ना झन्नाटे बटी सन्नाटे वाली बात। अरे भाई हम इंजॉय करने आए, पार्टी है। क्या हुआ,
हो लग रही है क्या है? लेकिन आपको ना मैंने इनवाइट किया है और ना यारों ने इनवाइट किया है। अग्रवाल साहब, कर दिया ना आपने घटिया पंथी वाली बात। अरे आपको क्या पता कि भाई अपनों को ना निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने अपने आप ही आ जाते हैं और भाभी जी से हमें अपनापन मिला, इसीलिए भाभी जी का घर हमारा घर, भाभी जी की पार्टी हमारी पार्टी, अब वो भी एकदम ठो। क्यों भाभी जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे तो कभी हमको भी अपने घर पे बुलाइए ना पार्टी पे। अरे तो आ जाइए ना। तो कल आ जाएं? कल तो हम घर में नहीं है। तो परसों आ जाते हैं? परसों हम शहर में नहीं है। और आज? आज तो आपके यहाँ है। और बताओ भाई, क्या खिला पिला रहे हो? हद है, ये लोग भी कमाल के हैं। वैसे इनकी जो पत्नी है ना, वो हमारे घर से कच्चा सामान ले जाती है, मतलब दाल चीनी चावल घी मक्खन वगैरह, और जब हम पकाते हैं तो ये खाने आ जाते हैं। बताओ क्या अग्रवाल साहब, आप भी ना। अरे हर्षवर्धन जी, ये अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं, हमारी दाल चीनी गिनते हैं। बेटा पार्टी शुरू करो। अब पापा के दोस्त के आने की खुशी में यारो और उसके दोस्त एक डांस प्रस्तुत करेंगे। म्यूजिक। वाह वाह बच्चों वाह, डांस करके मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यू नो, मैं और हर्षवर्धन जी भी एक गाने पे खूब डांस किया करते थे, मतलब रात से लेकर सुबह तक, मतलब नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक डांस करते थे। हर्षवर्धन तुझे वो गाना याद है ना, तो एक बार वो गाना गा के सुना ना। गाता हूँ यार, वो गाना डिस्को का था, मैयत का नहीं था। और ये आलाप को छोड़ना, सीधा बोल पे आना। बोल पे बोल बोल बोल। अरे प्लीज, कोई तो जा जाके पानी दे दो जरा उन्हें। ओके मम्मी। आपको क्या हुआ? ये आप कह कह के क्या कह रहे हैं अग्रवाल साहब? तो और क्या बोलूं बीना जी, हर्षवर्धन को कुछ याद ही नहीं है। अरे उसको ये भी याद नहीं है कि बचपन में वर्मा सर कैसे बोला करते थे, जबकि वो खुद उनकी एक्टिंग करके दिखाता था हमको। अरे लेकिन ये हो की कोई बात हुई क्या? इतनी पुरानी बात है आपके बचपन की, शायद ना याद रही हो। सब भूल गया हा? सब भूल गया है? कहता है कि सुमन बड़ी अच्छी लड़की थी, जबकि सुमन हमारे ग्रुप का लड़का था, सबका अच्छा दोस्त था। और तो और, उसको मैंने आज कहा कि हम लोग बचपन में किस गाने पे डांस करते थे, उसको वो तक याद नहीं है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.